हेलो दोस्तों, लक्ष्मण हेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाने वाले हैं हेल्थ संबंधित वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि पुरुषों में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, कि पुरुषों में ब्लड का लेवल कितना होता है नॉर्मल, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर पुरुषों में शरीर में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल कितना होना चाहिए, यह जानकारी भी होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से 16 ग्राम डीएल होना चाहिए। अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्तर 14 से कम या 12 से कम होता है तो आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें एनीमिया मुख्य होती है। अब हम इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होने पर हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला लक्षण होता है कि हमारी बॉडी में थकान महसूस होने लगती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल जब कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में थकान की समस्या ज़्यादा रहती है, जिससे हमारे शरीर में वीकनेस का आना और बॉडी बहुत तो कमज़ोर होने लगती है, जिसके कारण चलने फिरने में चक्कर आना और परेशानी होने लगती है, यह मुख्य कारण होता है। दूसरा है चक्कर आना। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर चक्कर आने लगते हैं और सुबह उठते ही पैरों में दर्द, आंखों का पीला पड़ जाना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, ऐसे कुछ लक्षण सामने नज़र आते हैं। दूसरे लक्षण के बारे में हम बात करते हैं, बालों का झड़ना। हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपके हेयर लॉस होने लगते हैं, यह मुख्य कारण है ब्लड के कम होने का, यह मुख्य कारण होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की, कि ब्लड कम होने पर हमारे मुंह में छाले होने लगते हैं, जिसके कारण हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होने वाली है, यह मुख्य कारण होते हैं ब्लड के कम होने के। दोस्तों, अगर पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण यह सभी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए और एडवाइस के अनुसार ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार की हेल्थ संबंधित वीडियो पाने के लिए आप लक्ष्मण हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।